अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो रात को व्लॉग स्टार्ट किया है और उसकी वजह मैं आपको भी बाहर जाके दिखाता हूँ। देखें बाहर क्या सर्दी का मौसम बना हुआ है और फुल ऑन हैवी धुंध। वो ये कौन खड़ा है बीच में? ये ऐसा लग रहा है कोई जिन खड़ा हुआ था, लेकिन था नहीं, ये अबीर है। ये यार मौसम आप चेक करें, इतना लेवल का बना हुआ है, इतनी शदीद किस्म की ठंड है और धुंध भी कैसे देखें, कैमरा आपको शो कर रहा है कैसे ऊपर से धुंध गिर रही है लगातार। अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने पीने, कोई कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ करेंगे। और ये देखें कायना जो है ये गाड़ी का कपड़ा उतार रही है। मैं कहा भाई आप लोग भी किया करो कुछ ना कुछ, कोई गाड़ी का कपड़ा उतारो। तो जैसे ही कपड़ा उतरता है कपड़े को रखते हैं अंदर और फिर हम चलते हैं। चलो यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब गाड़ी में बैठते हैं। सारी फैमिली जो है गाड़ी में बैठी हुई है। क्या यार ये शोर ना करो, इन्होंने ना मेरा व्लॉग नहीं बनने देना, शोर धड़ाधड़ कर रहे हैं बच्चे भी आए। सर कुछ नहीं आ रहा, सामने इतनी ज्यादा धुंध है, हद निगाह जो है बिल्कुल जीरो हुआ है। और यार मैं तुम लोगों को इसलिए लेकर आया हूँ कि चलो एंजॉय कर लो मेरे साथ, मैं तो व्लॉग बनाने निकलना था। अब मुझे तंग किया ना तो फिर मैं उतार देना गाड़ी से। अब अगर शोर आए मैं गाड़ी से निकलने लगा। चलो निकलो निकलो अब निकलो, मैं चलो जाओ दी जाओ जाओ जाओ, मैं जा ही नहीं रहा, तंग करके रखा हुआ यार। मतलब मैं बोल भी रहा हूँ कि ना तंग करो, ये देखो अब ये भी गाड़ी से उतर रहे हैं। यार ठंड के दिन है, बच्चे छोटे हैं, अजीब यार चलाने लगे हैं। अजीब चलाने लगे हैं, हम जा रहे हैं। नहीं यार क्या तमाशे हैं, फजूल तंग करके रखा हुआ है यार, बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ही बस ये बोनट तक दिखाई दे रहा है, ये ब्रेकर तक देखे उसके आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे डाढ़े मौसम में ये आर्मी वालों की हिम्मत है कि बेचारे इस वक्त भी खड़े हुए चेकिंग वगैरह सारा कुछ कर रहे होते हैं। सलूट है यार। यार क्या लेवल का मौसम बना हुआ है, माशाल्लाह इतना अखीर है। ओए ये बैरिकेड नजर नहीं था यार, ओए ओए बहुत ज्यादा लेवल का मौसम है। ये बस अगली गाड़ी वो देख रहे हैं वहां तक दिखाई दे रही है, उससे आगे भी गाड़ी है लेकिन नजर कोई नहीं आ रही। तो जबरदस्त मौसम बना हुआ है सियालकोट का इस वक्त। ये फर्स्ट डे था जो इतनी धुंध पड़ी हुई है अभी, और पूरे शहर में पड़ी हुई है। हम कैंट में हैं और देखें क्या लेवल की इधर धुंध है। ये बैरिकेड इन्होंने साइड पे कर दिए हैं क्योंकि नजर नहीं थे आ रहे बिल्कुल भी, वो कोई भी स्पीड में आ रहा हो तो वो गिरा हुआ था, किसी ने मारी होगी। फिर हम जा रहे हैं चिप्स खाने या ग्रीन टी पीने, भी देखते हैं क्या चीज़ खाते हैं सबसे पहले, लेकिन दोनों चीज़ें हमने खानी है। लो जी हम जा रहे हैं काशी वाले के पास, लेकिन मुझे शक है कि इस वक्त काशी बैठा हुआ नहीं होगा। तो लेट्स सी ये लाइट, एक मिनट वही बाकी बैठा यार। चलो लेवल हो गया जी, हम पहुंच गए काशी चिप्स वाले पे। और ये बच्चों की एक्साइटमेंट देखें, हम भाई यहाँ से चिप्स चिप्स कराएंगे, ये वो चीजें कराएंगे। के हमारी चिप्स अभी हुई है 100 रुपए की, ये चिप्स है, ये लो ये पकड़ना एक मिनट। ये क्या है? अच्छा वाओ, तीन कलर्स में चटनी है और साथ में ये समोसे हैं चिकन वाले। अब इसको खाते हैं, कौन आलू खाने थे? आलू भी है, आलू चिकन नहीं मजे, वापस करा के आलू ले आए यार, बोले हमने नहीं खाए, आप आलू वाले कर दे। जैसे मैं आवाज दे देती हूँ। जी समोसे हमारे आ चुके हैं, वो मसाला डाला होता है भूल जाएगा। इन फ्राइज का ना ये जो ये वाले होते हैं इनका अलग ही मजा है यार, वो देना मुझे चटनी। बहुत मजे के फायदे हैं ये देखें, वो हुए 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 बहुत ही लेवल के यार। ये देखें भजन 100 की चिप्स और करना, 100 के चिप्स और मंगवाए हैं, चिप्स चिप्स खा ली हैं। अब हम जा रहे हैं ग्रीन टी पीने घंटाघर चौक की तरफ। ये सामने घंटाघर चौक है और आपको नजर नहीं आ रहा, सामने यहाँ पे क्लॉक टावर है और
ये अब हल्का हल्का आना शुरू है नजर, ये देखें ये क्लॉक टावर है और यहाँ से हम ग्रीन टी लेंगे। इसमें रोड पे कितने ज्यादा इन्होंने फेंके हुए हैं, सूप भी पी रहे हैं पंजों वाले, और लेकिन हम आए हैं ग्रीन टी पीने। यहाँ पे बड़ा बस मॉल बना हुआ था, यहाँ पे गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, इधर सिटिंग हुई हुई है, और एक वो है सब्स चाय वाली दुकान, एक ये है साथ में सूप की दुकान है। ये सूप की जो दुकान है ये गर्मियों में फालूदे की शॉप बन जाती है और सर्दियों में ये कॉर्न सूप की बन जाती है। तो बड़ा ये मशहूर है खड्डागढ़ चौक में ये वाली शॉप, यहाँ पे सारा जो रश लगा हुआ ये इन्हीं का ही है। गर्मा गर्म चाय हमारी आ चुकी हुई है। लेवल हो गया। खड्डागढ़ चौक के मनाजिर है। अच्छा इस साइड में भी यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं, सूफी रेस्टोरेंट है, फिर हलवे वगैरह मिल जाते हैं, उधर से पान शॉप है, और ये सामने वाली जगह है इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन जिधर से हम आए हैं उधर काफी आइटमें मिल जाती हैं गर्मा गर्म। उधर से हम आए हैं वो घंटाघर चौक के ना उस साइड पे, ये सारा कुछ कश्मीरी चाय सूप शूप इस सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। और ये रात 12:10 हो गए हैं, लेकिन इधर माहौल चेक करें फुल रौनक चल रही हैं। ये मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ आगे डाले के अंदर ना, ये बीच में इतनी ठंड में ये बंदा बैठा हुआ है, लेकिन इतनी गाड़ी जो है ना इतना स्पीड से चलाते हुए भी डर लग रहा है कोई आगे से आगे वजी ना जाइए। ये देखें वो खड़ा हुआ आदमी, ये देखें ये बीच में इतनी ठंड में ये बंदा बीच में क्या क्यों खड़ा है यार, समझ नहीं आ रहा। नहीं गार्ड नहीं है। ले जी घर आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मकसद ये है कि ज़िंदगी में छोटी छोटी आपको खुशियाँ मिल रही होती हैं, छोटे छोटे सीन्स ऐसे मिल रहे होते हैं जिनको आपको इन्जॉय करना चाहिए फैमिली के साथ दोस्तों के साथ, तो उनको लाजमी इन्जॉय किया करें। ये नहीं कि ठंड बढ़ी है यार निकला नहीं जा रहा ये वो, मतलब कि ऐसे जो एक्सक्यूज़ होते हैं ना ऐसे आप ज़िंदगी को बहुत डल कर लेते हैं अपनी, तो ज़िंदगी को इन्जॉय किया करें। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।